तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो होती है बेसिकली ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट उल्टा। सपोज दैट साइन थीटा इक्वल्स टू, हमने एक वैल्यू ले ली यहाँ पे वाई, तो थीटा इधर बचेगा अगर साइन को उधर भेजते हैं तो उधर हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। ये हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसे ही इनवर्स बनाई जाती है, बट इनको और अच्छा समझ लिए ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने लिया, इस ट्रायंगल में हमने इसको बेस को टू माना, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, परपेंडिकुलर को यहाँ टू माना, हाइपोटेन्यूज को टू ले लीजिएगा, और यहाँ से बस हमने बाकी आगे सब सही साइन है, उसी थीटा। को ध्यान में रख के तो करिएगा। साइन थीटा हमारा यहाँ से आया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस, जो कि आया 1/2। अब हमारी ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। और हमने अब यहाँ सपोज दैट ये एंगल देखा, अगर साइन को उधर भेजते हैं तो साइन थीटा, थीटा हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें चेक करनी थी बेसिकली, ये तो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है। और इस वैल्यू को अगर हम चेक करते हैं एंगल पे, ये जो वैल्यू है इसको चेक करते हुए, तो साइन 30 होता। इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे, ये हो जाता साइन थीटा इक्वल्स टू, इस तरह हम लिख सकते थे साइन 30, मीन्स थीटा साइन साइन कट जाता तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाती। 30, अब हम थीटा 30 डिग्री नहीं लिख सकते, इसको हमेशा रेडियन में लिखना होता है। तो 30 को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कितना आ जाता, थीटा इक्वल्स टू 30 इंटू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। और उधर कितना आया था, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, मीन्स ये जो पूरी वैल्यू आई थीटा की, ये थीटा की वैल्यू यहाँ से आई पाई बाई 6। तो हम यहाँ पे पाई बाई 6 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि हम लोगों को वैल्यू निकालनी थी, मीन्स हमने कहा साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग बताते थे √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हुई तो आप लोग निकालते थे 1/2। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया है, अभी हम लोगों को क्या है कि ये वैल्यू दे रखी होती है और हमको एंगल निकालना होता है। ठीक है, बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया, पहले हमें एंगल पता होता था, एंगल पता होता था हम निकालते थे वैल्यू। ठीक है, ये थी ट्रिग्नोमेट्री। पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें अभी वैल्यू दिख रही होगी सामने, निकालना होगा एंगल। ठीक है, और ये एंगल किस में निकालना होगा, इन रेडियन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं बेसिकली आपको समझा दूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि सपोज दैट आपके सामने क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2, तो इसके आगे आप लोगों को थीटा लिखना होगा और साइन इनवर्स को उधर भेजना होगा। तो आपका ये हो जाएगा √3/2 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब आप साफ साफ देख रहे हैं √3/2 कितना होता है, 60 का होता है। तो ये हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे क्या, साइन 60 इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल करेंगे और आगे आप इसको रेडियन में लिखेंगे, तो 60 इंटू पाई बाई 180, 60 से कट गया तो थीटा का आ गया पाई बाई 3, मीन्स आपका आंसर आ गया पाई बाई 3। ये चीज़ आपको करनी होगी बेसिक किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि अगर साइन इनवर्स यहाँ पे लिखा होता माइनस √3/2, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पहले आपको माइनस बाहर करना पड़ेगा, फिर साइन √3/2 को बिल्कुल उसी प्रोसेस सॉल्व करना है जो अभी मैंने पीछे बताया। तो साइन के लिए दूसरा, आपको टैन के लिए भी यही प्रोसेस करना है कि सपोज दैट यहाँ माइनस लगा हुआ है तो पहले आप माइनस को बाहर कर लीजिए, फिर टैन 1 को सॉल्व कर लीजिए। थर्ड कंडीशन, कॉसेक के लिए भी यही प्रोसेस करना है आपको, कॉसेक इनवर्स के लिए भी अगर यहाँ पे माइनस में कोई चीज़ है ब्रैकेट के अंदर तो माइनस वाले आप बाहर कर लीजिए, फिर कॉसेक -2 को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी क्वेश्चन को रेंज में करना पड़ता है, तो आपको रेंज में नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने रेंज में होता है। और अगर माइनस नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं पिछले वाले तरीके से। ओके, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट 5-स्टारर, जहाँ आपको हमेशा मिस्टेक होती है उस चीज़ पे फोकस करना है। तो देखिए मिस्टेक कहाँ होगी, कि अगर कॉस
इनवर्स अंदर 1/2 दे रखा है, तो यहाँ कोई मिस्टेक नहीं, आप इसको इक्वस टू थीटा और 1/2 इक्वस टू कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस 60 इक्वस टू कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल करके यहाँ पे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मिस्टेक होती कहाँ है कि अगर इसके अंदर माइनस होता तो मिस्टेक होती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है कि गलती ना हो। तो इस पर आप 5 स्टार फिर से लगा लीजिए कि आपको करना है ये और ध्यान रखना है, यही एक चीज़ है इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई वैल्यू कॉस के साथ कॉस इनवर्स के साथ नेगेटिव में है तो आपको क्या करना होगा कि पहले पाई लिखना होगा, पाई माइनस करके फिर ये नेगेटिव यहाँ से गायब कर देना है, कॉस इनवर्स 1/2 कर देना है। अब इसको पिछले वाले तरीके से सॉल्व कर लेना है, पाई से माइनस कर देना है। ये आपका कॉस के लिए हो गया और यही चीज़ आपका कॉट के लिए भी है, यही प्रोसेस आपका कॉट इनवर्स के लिए भी है। ध्यान रखिएगा कि पहले पाई लिखेंगे फिर इसका माइनस ब्रैकेट का माइनस गायब करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसको पिछले वाले तरीके से कॉट इनवर्स। तीसरा आपको सेक के लिए भी यही प्रोसेस, सेक इनवर्स अगर कोई चीज़ माइनस में है तो पाई लगाएंगे पहले फिर माइनस लिखेंगे और फिर सेक इनवर्स और फिर 2 लिखेंगे और इसको पिछले वाले तरीके सॉल्व करके पाई से माइनस करेंगे। तो यही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके इस पूरे एक्सरसाइज में जो आपका वन पॉइंट इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, वन एक्सरसाइज, वो बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो पहली एक्सरसाइज आपकी बड़े आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे, मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा दूँ ये वाले। तो सपोज दैट ये आपका कॉस इनवर्स 1/2 नेगेटिव में है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले आप उसको लिखना होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कहीं ले जा करके वाई लेट कर लेते हैं। सपोज दैट कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू वाई, अब इसको सॉल्व करोगे तो कॉस उधर भेजोगे तो इधर बचेगा 1/2, वो हो जाएगा कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस वाई हो जाएगा और ये हो जाती है 60 की वैल्यू, मींस पाई बाई 3, तो वाई की वैल्यू पाई बाई 3 आ जाएगी और ये पाई माइनस पाई बाई 3 हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2π/3 करेक्ट आंसर। बाकी आप एक्सरसाइज देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, आगे मैं समझा रहा हूँ उनको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, ओके। चलिए देखिए, और हमें ये वैल्यू निकालनी होगी, मींस थीटा, यानी कि हमें एंगल निकालना होगा, एंगल, और उस एंगल को हमें रेडियन में निकालना होगा, ठीक है। तो रेडियन मतलब कि जो वैल्यू आएगी उसको हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो और समझते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ फंक्शन दे रखे हैं जिनको हमेशा याद रखना है हमें, ये सारी जो वैल्यूज़ होंगी अभी लिस्ट में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये याद कर लीजिए आप लोग। ये अभी ग्राफ पर आप फोकस मत करिए, अभी मैं बेसिकली एनसीईआरटी फोकस कर रहा हूँ, बाकी मैं इसको ग्राफ को डिटेल में समझाऊँगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ग्राफ को समझना है, ग्राफ बनाना भी आना चाहिए और पता भी होना चाहिए। यहाँ पर टेबल आप देख लीजिए, टेबल हमें पूरा याद होना चाहिए, इस टेबल में डोमेन और रेंजेस दे रखे हैं, ठीक है, ये डोमेन है और ये रेंज है, तो ये सारी चीज़ हमको एकदम से याद होनी चाहिए हर एक फंक्शन के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, कॉसेक के लिए, ऐसे सारे फंक्शन के लिए याद होना चाहिए। तो देखो मैं कुछ क्वेश्चन लेके समझा दे रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन पहला एग्जांपल है, इसमें पूछा गया है साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान है आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का जो तरीका है, पहले आप यहाँ पे इक्वल्स टू थीटा कर लीजिए इसको सॉल्व करने से पहले, उसके बाद आप क्या करेंगे साइन को उधर भेजेंगे तो 1/√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की, तो साइन 45 की वैल्यू होती है, तो इधर भी साइन 45 उधर भी साइन 45, सॉरी थीटा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ गई 45, और ये कितना हो जाएगा हमारा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, मैं सुन बताया तो ये पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है वो इस रेंज में आनी चाहिए, अगर इस रेंज में नहीं आ रही है तो हमें उस रेंज में लाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो रेंज में ही, इसलिए हमने ये टेबल आपको दिखाया यहाँ पे, इस टेबल को आपको याद रखना है, इस टेबल से ही आपको वो वैल्यू सॉल्व करनी होगी,
जैसे अभी आपने सॉल्व किया, जैसे आपने सॉल्व किया ये साइन इनवर्स 1/√2। देखो सीधा क्या है, ये हमने यहाँ पे निकाला पाई बाई फोर। अब पाई बाई फोर वैल्यू हम चेक करेंगे कि साइन के इस रेंज में है या नहीं। तो ये पाई बाई फोर देखिए यहाँ से, पाई बाई टू मीन्स 90, तो ये पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के बीच में पाई बाई फोर आता है, ठीक है। माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में पाई बाई फोर आएगा, तो ये रेंज हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, इक्वल्स टू थीटा मानना होगा और कॉट को उधर भेजना होगा, तो ये बच जाएगा 1/√3 माइनस का इस साइड, और उस साइड हो जाएगा कॉट थीटा। तो अब माइनस 1/√3 है, तो 1/√3 की वैल्यू अगर हम देखें तो 1/√3 होता है 60 पे, तो ये हो जाता है माइनस 60 डिग्री, यानी कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 हो जाएगा, और इसको काटोगे तो माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इस तरफ हो जाएगा ये माइनस कॉट पाई बाई 3, और ये जो वैल्यू हो जाएगी इधर कॉट थीटा हो जाएगी, तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पाई बाई 3। अब ये माइनस पाई बाई 3 कॉट की रेंज में है या नहीं, तो कॉट की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, तो जिस चेक करेंगे तो ये उसकी रेंज में नहीं आता है, क्योंकि 0 इस साइड है और पाई इस साइड है, और वो नेगेटिव में वैल्यू इस साइड चली जा रही है। तो उसको रेंज में लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पाई से इसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो आंसर हमारा जाएगा 2π/3, तो ये आंसर होगा। देखो इसको और अच्छे से समझने के लिए, वैसे बहुत कन्फ्यूज़न है, तो इसमें हम लोग पहली बात तो इस टेबल को याद करते हैं, और टेबल को याद करके रखते हैं, और बाई चांस अगर हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हमें इनकी वैल्यूज़ को कैसे निकालना है, तो देखिए इसके आगे हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, ताकि तीन जो वैल्यू होंगी, सारी वैल्यूज़ को हमें नहीं करना है, बाकी कुछ कुछ हैं जो जहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, जैसे साइन का नेगेटिव आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टेन का आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कॉस का आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तीन वैल्यूज़ अगर आ रही हैं कॉस सेक कॉट, तो इनको हमें पाई से माइनस करना होगा, मतलब सॉल्व करने के बाद पाई से इनको माइनस करना है, ये चीज़ इतना ध्यान रखिए। तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको माइंड में याद रखना है तो कोई भी क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। कॉस सेक और कॉट, इन तीनों को पाई से माइनस करना है, बाकी किसी को पाई से माइनस नहीं करना है। अगर वो नेगेटिव में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर हो जाएगा बस। तो ये फॉर्मूले एकदम से मन में बैठा लीजिए, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज से करते हैं, ताकि सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं कि ये कैसे हो रहा है। चलिए एक्सरसाइज में आइए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, अब ये नेगेटिव में है, लेकिन हमने पीछे बताया है कि अगर साइन हो, टैन हो, कॉसेक हो, तो नेगेटिव बाहर हो जाता है, तो इसका नेगेटिव बाहर हो गया, और ये हो जाएगा साइन 1/2, ठीक है, इनवर्स लगा रहेगा। अब बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस वही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टैन है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ कॉस आ गया, तो कॉस के लिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए पाई से पहले माइनस करना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है, बाकी सॉल्व करने का तरीका पुराना ही है। तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें वो जो हमने 6 फॉर्मूले पीछे दिखाए हैं उनको पहले इस पर ध्यान रखो कि किसका किस सेक्टर का है। तो हमें कॉस का पता चला, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब पाई तो लगा ही रहेगा, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम साइड में सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा, और सॉल्व होके आ जाएगा फर्दर थीटा इक्वल्स टू कॉस इधर चला जाएगा कॉस थीटा, तो ये 1/2 की वैल्यू होती है कितने पे, 60 पे, और 60 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो पाई बाई 3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, यानी आंसर हमारा फाइनली 2π/3 हो जाएगा, ओके। तो इतना ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो, तो ये पूरा एक्सरसाइज ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो आप पूरा एक्सरसाइज कर लीजिए, और जहाँ पे किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होती है
वो अब हमसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में सीधा आपका यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे रेंज पूछा है। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधा एंगल पता करिए, √33 किस पे होता है, तो ये होता है 60 पे। तो 60 का रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 मीन्स π/3। तो ये हो गया पहला π/3 हो गया, माइनस दूसरा सेक का है, सेक का हमें पाई से माइनस करना पड़ता है, तो पाई माइनस सेक 2, ये भी होता है 60 पे। तो 60 π/3 तो यहाँ से आ जाएगा 2π/3, तो ये 2π/3 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो फाइनल बचेगा -π/3। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे, किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप वो 6 फार्मूले माइंड में रखेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ उन फार्मूलों का, कि आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखना होगा कि वो कॉस का है कि सेक का है कि कॉट का है। तो आप पहले पाई से उसको माइनस कर लीजिए, यानी उसका माइनस गायब करने के लिए हमें पहले पाई से माइनस करना होगा। अगर साइन है, टैन है और कॉसेक है, तो इनके केवल माइनस बाहर आ जाएंगे, बाकी सॉल्व करने का तरीका वही। तो ये रेंज में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यही चीज़ है कि रेंज में उनको कैसे लाया जाए। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही रहती है, और उसकी कन्फ्यूज़न इन्हीं फॉर्मूलों से दूर हो जाती है। देखिए इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा और ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या हो सकता है कि अगर हमें किसी भी इनवर्स का अगर वैल्यू पता हो, सपोज दैट हमें साइन इनवर्स हमें 1/2 पता है, और हमें निकालना है बाकी के सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यानी कि हमको निकालना हो कॉस इनवर्स क्या होगा, ठीक है, ऐसे हमें निकालना हो टैन इनवर्स क्या होगा, और हमें निकालना हो कॉट सेक, यानी कि बाकी के 6 निकालने हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, बिल्कुल वही पुराना प्रोसेस, पहले आप ट्रायंगल बनाइए। आपने ट्रायंगल रेडी किया, ट्रायंगल इसी के बेसिस पे बनाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन का, तो ये परपेंडिकुलर आपका 1 है, हाइपोटेनस आपका 2 है, दिख रहा है साफ साफ आपको। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि आप यहाँ से पहले बेस निकाल लेंगे, तो बेस आपका वही हो जाएगा पुराना प्रोसेस, 2² - 1² का रूट, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, तो 4 - 1 का रूट, यानी कि √3 आ जाएगा। अब आसानी से आप ये निकाल सकते हैं, कॉस का, टैन का, जिसका भी हो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, पाकिस्तान वो का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये प्रोसेस आप लगाएंगे, ये साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए, और लगा करके सबकी वैल्यू लाइन से निकाल सकते हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ओके। और बाकी जो चीज़ें हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से, वो ये है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बहुत ही ज़्यादा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर हमें फॉर्मूले अगर हमारे अच्छे से रेडी हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है कि ना लग पाए। तो आप लोग जो है फॉर्मूलों पे ज़्यादा फोकस करिए। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन सब फॉर्मूलों को एकदम अच्छे से माइंड में बैठा करके रखिए। और जो इस चैप्टर का सबसे खास और अहम, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना लगे तो समझ जाइए कि इन्हीं फॉर्मूले से लगने वाला है, क्योंकि ये जो पहला, दूसरा है, ये तीसरा फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही 5-स्टार फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को एकदम माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे ना लगने वाला होगा वो इन्हीं से लगने वाला है, क्योंकि मैं आगे आपको दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि इनका कितना यूज़ है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप आगे आने वाले लेक्चर में ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो इन सब फॉर्मूलों को आप अच्छे से एकदम रेडी कर लीजिए, कोई भी फॉर्मूला छोड़िए मत, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इस पूरे चैप्टर को उड़ा सकते हैं। इस चैप्टर में कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है। तो बाकी ये दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी है, इसके लिए मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा समझाऊंगा और पूरा क्लियर बताऊंगा, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन थोड़ा समझना है, कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए कि एक्स की जगह पे क्या पुट किया जाए, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूशन से ही आपका हो पाएगा, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कवर करें।